So now we are going to start with the next question. This is question number 20 of set number 1, question 16 of set 2 and question number 14 of set number 3. The question says, in figure 2, 3 sectors of a circle of radius 7 cm making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree. So yahan pe ye jo angle ban raha hai 60 degree ka, ye angle 80 degree ka hai aur ye angle 40 degree ka hai. Theek hai? हमें क्या करना है, एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब हमें इन सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करना है. देख सकते हैं यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो बेसिकली ये तीनों सेक्टर्स है. सो अगर मैं इसको नेम दे दू, लेट्स से ये मेरा सेक्टर 1 हो गया, दिस इज सेक्टर 2 एंड दिस इज सेक्टर 3. सो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 3. यही है हमारे पास शेडेड रीजन. अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट. अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों में देखें तो इन तीनों का रेडियस सेम है, एक ही सर्कल में है. सो अगर ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा एंड सो ऑन. सो रेडियस तो थ्रू आउट द सर्कल सेम रहेगा. सो तीनों में जो ये फॉर्मूला अगर हम तीन बार अप्लाई करते हैं, अगर मैं तीनों बार सेम लिख देती हूँ, ये लिख दिया मैंने बिकॉज सेक्टर है तो तीनों में सेक्टर का ही फॉर्मूला बनेगा, अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ अब इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो थीटा सबका अलग है, एंगल अलग है, एक का 80 है, एक का 60 है, एक का 40 है, तो एंगल डिफरेंट है. पाई की वैल्यू तीनों में सेम रहेगी, आर स्क्वायर तीनों में सेम रहेगा. सो हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया. यहाँ बचा थीटा अपॉन 360 प्लस थीटा अपॉन 360 प्लस थीटा अपॉन 360. अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी तो कॉमन ही है थीटा अपॉन 360, बट यहाँ पे क्या है एंगल्स अलग अलग है, जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो एंगल्स अलग अलग है. सो पाई तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम 22/7 या फिर 3.14 कुछ भी ले सकते हैं. सो मैं 22/7 ले रही हूँ बिकॉज रेडियस 7 गिवन है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा. आर स्क्वायर 7 × 7. अब यहाँ पे आ जाओ थीटा अपॉन 360, पहला एंगल क्या है 80 डिग्री, 80 अपॉन 360 प्लस सेकेंड हमारा सेक्टर जो है उसका एंगल है 60, तो 60 अपॉन 360 देन प्लस थीटा अपॉन 360 अगेन 40 डिग्री, सो 40 अपॉन 360. ठीक है, सो यहाँ तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. अब हम इसे पहले 2 के टेबल से कट करते हैं तीनों को, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4, अगेन 3, 18, ये हो गया हमारा 2 एंड 18 अगेन. अभी भी कट हो सकता है, 2 × 1 = 2, 9, सो 3, 6 एंड 4, 2, 9. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 2/9, 1/6 एंड 1/9. सो इसको कंटिन्यू यहां पे कर लेते हैं, बाहर क्या बचा 22 × 7 एंड ब्रैकेट में हमारे पास है 2/9 प्लस 1/6 प्लस 1/9. सो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 18 आएगा एलसीएम, 18 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 प्लस 1 = 15, ये हमारा हो गया 18 ले लिया हमने इसको, एंड 9 × 2 = 4 प्लस 6 × 3 = 18, ऊपर 3 आ गया प्लस अगेन 9 × 2 होता है, सो 1 × 1 = 2, ये हो गया 154 इंटू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/18, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 × 2 = 18 होता है, 2 से 154 को करेंगे, 2 × 7 = 14, अगेन 2 × 7 = 14, तो हमारे पास आ गया 77 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, सो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेट 1, क्वेश्चन 16 ऑफ सेट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेट नंबर 3.